तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। वैसे भी अक्टूबर का महीना है तो शादी या अदर फंक्शंस चल रहते हैं, तो उन सभी फंक्शंस में एक कॉमन चीज हमेशा बनी रहती है और वो है दाल मखनी। तो दाल मखनी बनाना जरूर आना चाहिए। तो हम प्रोसेस को शुरू करते हैं, दाल मखनी बनाने की प्रोसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राजमा और माह की दाल। आप चने की दाल भी ले सकते हो और माह की दाल भी ले सकते हो, बट मेरे पास है ये राजमा और माह की दाल। तो सबसे पहले हम इसको धोएंगे, ठीक है? धोना बहुत जरूरी होता है, तो इसको रगड़ रगड़ के धो लेते हैं पहले हम। धोने के बाद इसको हम चढ़ाएंगे कुकर के ऊपर, ठीक है? तो अब हम राजमा और माह की दाल को मिक्स करके इस कुकर में डाल देते हैं। डाल दीजिए ऐसे। कोई जल्दी का काम नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है, हम धीरे धीरे करेंगे। इसको डालने के बाद हम पानी डालेंगे। पानी को डालने के बाद नमक भी डाल लेते हैं अभी। कहते हैं नमक को सूंघ के डालने से नमक कभी कम ज्यादा नहीं होता, ये कहते हैं। तो नमक को डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें हल्दी। जिससे कि इसका रंग काफी बेहतरीन हो जाएगा। हल्दी को डालने के बाद अब हम इसको करछी से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम कुकर का ढक्कन कुकर के ऊपर चढ़ा देंगे। और इसके बाद इंडक्शन को ऑन कर देंगे। और अब करेंगे हम वेट सीटियों का। जब तक इस कुकर में राजमा और माह की दाल अंदर से नहीं पक जाते तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? हमें चाहिए कुछ मसाले। ये मैंने काटा हुआ है लहसुन, मिर्च और थोड़ा सा अदरक, ठीक है? या कहें अदरक, पहाड़ी में अदरक कहते हैं। और ये है हमारा टमाटर, कटा हुआ टमाटर। और ये है हमारा कटा हुआ प्याज। इसकी कटिंग से ही आपको लग रहा होगा कि ये मैंने काटा हुआ है, क्योंकि जो परफेक्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी कटिंग से लगता है कि भाई ये स्पेशल काटा हुआ है, बट मैंने तो ऐसे ही काट दिया है ये। तो अब हम इन तीनों को मिक्स करके तड़का लगाएंगे। बट सबसे पहले अब हम इस कुकर की दाल को अंदर से पकने देते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, 7 से 8 सीटियाँ लगेंगी मे बी, और उसके बाद ये पक जाएगा और उसके बाद हम करेंगे तड़के की तैयारी। काफी इंतजार के बाद हमारी दाल पक चुकी है। अब हम लगाएंगे तड़का, क्योंकि तड़के के बिना कोई भी दाल स्वादिष्ट नहीं बनती। तो तड़के की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल मेरी पक चुकी होगी, तो इसको खोल लेते हैं। हमारी दाल पक चुकी होगी, हाँ काफी बढ़िया लग रहा है। हमारी दाल गल चुकी है, अब हम इसको तड़के की ओर ले जाते हैं, ठीक है? तो चलिए तड़के के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो हम घी का तड़का लगाएंगे, तेल का भी लगा सकते हो, बट घी में जो मजा है वो तेल में कहाँ। तो इसमें हम 2-3 बड़े चम्मच घी के डाल देते हैं।
अब घी को पिघलने देते हैं, ठीक है। अब हमारा घी पक चुका है, मतलब गर्म हो चुका है, तो अब हम डालेंगे थोड़ी सी मेथी, और मेथी के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा बीन। इसके बाद आपको फटाफट कार्य करना है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी जल जाता है। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन, मिर्च और अदरक जो कि मैंने काट रखा था, और फिर हम इसको कुछ ऐसे 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 करेंगे। इसके बाद डालेंगे हम प्याज, को हम पकने देते हैं जब तक ये भूरा नहीं हो जाता, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको हम पकते रहेंगे, ठीक है। हमारे प्याज का रंग चेंज हो चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर, क्योंकि तो टमाटर के बिना भाई कोई फ्लेवर नहीं। इसकी आवाज ही मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब हम टमाटर डालते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो मेरे को खुशबू आ रही है वो काफी ज्यादा ऊंचा है, उसकी तारीफ करना ही काफी ज्यादा कम होगा। वो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मेरे को इस वक्त। और इसको हम कम आंच पर पकने देते हैं, गैस कम कर देते हैं, अब इसको हम पकने देते हैं। तो धीरे धीरे ये पकता रहेगा और हमारी दाल की जो प्रोसेस है वो जल्दी ही कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये अभी पक रहा है, हमारा जो टमाटर है वो धीरे धीरे गल रहा है, कम आंच पर हमने रखी हुई है गैस, जिससे कि हमें आराम से टमाटर और प्याज का मिक्सचर आसानी से मिले, ठीक है। हमारी दाल का मसाला बन चुका है, तो अब हम इसमें दाल डालेंगे। तो कुकर कहाँ है, कुकर को यहाँ लेकर आओ और कुकर से निकाल के दाल को इस कढ़ाई में डालो, ठीक है। हमारा जो प्रोसीजर है दाल बनाने का बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे दाल बनाते हैं, जैसे मैंने ये अभी तुड़का दिया, ये हर एक सब्जी में ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको जरा मिला लेते हैं ढंग से। ये हमारी दाल थोड़ी गाढ़ी बनी है। यदि आप इसको थोड़ा लिक्विड बनाना चाहते हो तो इसमें गर्म पानी मिला लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें गर्म पानी मिला लेता हूँ, इसमें मैं गर्म पानी मिला लेता हूँ, जिससे कि ये दाल लिक्विड बन जाएगी और खाने में भी आसानी होगी। यदि आपको गाढ़ी पसंद है तो आप गाढ़ी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम पकने देते हैं, मिक्स होने देते हैं कम आंच पर। देखो हम क्या बना रहे हैं, दाल मखनी। दाल तो हमने कर दी कंप्लीट, पीछे क्या रह गया, मखनी। तो मतलब मक्खन, मक्खन बहुत ही जरूरी होता है दाल मखनी बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये कर लिया है बाय, मैंने दुकान से ले लिया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे, बट कितना डालेंगे ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इतना ही मत डाल दिया कि काफी गाढ़ी हो जाए दाल, काफी भारी हो जाए। वैसे भी दाल मखनी काफी भारी होती है, तो ये भी हम अब कंप्लीट करते हैं। फिलहाल इसको पकने देते हैं थोड़े से आंच पर, कम आंच पर, ठीक है। वैसे हमारी दाल दिखने में काफी बढ़िया लग रही है, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और दाल मखनी हमारी तैयार। फिर टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसी बनी है हमारी दाल मखनी। तो अब हम इसको डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको काट लेते हैं पहले,
बट डालने का स्टाइल भी आपका अलग होना चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई को उठा लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। फिर हम करछी को लेते हैं, बट सबसे पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है। इसको हम काट लेते हैं और फिर हम इसको डालते हैं करछी में इस तरह से, और फिर इसको हम गर्म कर लेते हैं। बट थोड़ा ही गर्म कीजिएगा क्योंकि मक्खन काफी जल्दी जल जाता है। तो इसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसको हम इसमें डाल देते हैं, जिससे कि हमारी दाल मखनी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और फिर गर्म है भाई कढ़ाई को, फिर उठाकर कम आंच वाली गैस पर रख देंगे। अब धीरे धीरे ये मक्खन पिघलता रहेगा और हमारी दाल मखनी तैयार होती रहेगी। इसके बाद इस क्रीम को दाल मखनी के अंदर डालेंगे। ये मैंने क्रीम बना रखी थी, ये वैसे दूध की क्रीम है, मैंने खुद बनाई है मलाई से। तो इस क्रीम को हम दाल मखनी के अंदर डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे, जिससे कि दाल मखनी काफ़ी डिलीशियस हो जाएगी, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेगी। अब इसमें हम डाल लेते हैं क्रीम। हमने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि हमारी दाल मखनी तैयार हो चुकी है। अब हम स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे क्रीम। तो क्रीम डाल लेता हूँ मैं थोड़ी सी, इतनी ठीक रहेगी। अब ये मैंने क्रीम डाल दी है, अब आपको लग रहा होगा दाल मखनी का रूप। अब मैं इसको चखूंगा कि कैसी बनी है ये। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है तो फर्स्ट टाइम ही काफी बढ़िया लग रही है मेरे को, सेकंड टाइम तो भाई मैं आतंक ही मचा दूंगा। थोड़ी सी और क्रीम डाल लेता हूं मैं, इतनी सी। इसको कर देते हैं बंद और इसको मिला लेते हैं ढंग से। और ये हमारी दाल मखनी तैयार। तो जल्दी से अभी इस दाल मखनी को हम चख लेते हैं क्योंकि काफी खुशी मिलती है जब किसी चीज में हम सफल हुए तो, ठीक है। तो इसको हम चख लेते हैं। राजमा अच्छे से गल चुके हैं, हमारी माह की दाल भी अच्छे से गल चुकी है, टमाटर प्याज का मिक्सचर काफ़ी बढ़िया फ्लेवर दे रहा है, और जो हमने माखन डाला था बिल्कुल ही बढ़िया डाला है। तो मेरे मतलब दाल काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। नमक बिल्कुल सही है, हालांकि नमक में काफ़ी कमज़ोर रह जाते हैं जो रसोई होते हैं, मगर मेरा नमक जैसे मैंने नमक डाला था बिल्कुल सही है, दाल एकदम परफेक्ट बनी है, मजा आ गया। अब बनेंगे चावल, चावल के साथ दाल मखनी का एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।